वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, यहाँ मैंने छिलके वाली उड़द की दाल एक कप लिया है, जिसे मैंने गर्म पानी में भिंगो के रख दिया है पहले ही 15-20 मिनट के लिए। यहाँ मैंने लहसुन अदरक मिर्चा और धनिया और सोया का मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर गोभी, आलू और गाजर यहाँ मैंने कट किया, दो छोटे छोटे प्याज कट कर लिए, चावल भी मैंने एक गिलास धुल के रख लिया। और यहाँ मैंने कढ़ाई कुकर में तेल डाला है और हींग पचफोरन डालने के बाद मैंने लहसुन की छोटी छोटी कलियाँ डाली मैंने, और प्याज डाला, भून लिया। उसमें खड़े गरम मसाले भी डालने थे जो मैं बाद में डाली, भूल गई थी स्टार्टिंग में डालना। फिर जो भी सब्जियाँ मैंने कट की थी उसको डाल देना है, अच्छे तरीके से भूनना है उसको। जैसे हल्के हल्के भून जाते हैं तो सारा जो मसाला का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, ठीक है, और फिर सब्जी मसाला पाउडर भी डाला है मैंने, अब बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाला है। उसके बाद इन्हें अच्छे तरीके से भून लेना है, हल्दी नमक भी डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। और फिर दाल डालना है जो उड़द का दाल मैंने लिया था। उसके बाद फिर चावल दोनों को सब अच्छे तरीके से भूनने के बाद से फिर थोड़ा सा नमक ऐड करना है, एक तो स्टार्टिंग में करना ही है, थोड़ा बाद में भी करना है। और हल्का सा चीनी डालना है, ये बंगाली स्टाइल है, जो बंगाल में हल्का चीनी पड़ता है तो मैंने वो डाला है। उसके बाद यहाँ 5 से सीटी लगानी है, तो यहाँ बिरयानी कह लो, बिरयानी तैयार, वेज बिरयानी। तो आज का ब्लॉग ये एंड करते, लव यू, बाय बेटा।